एक दो इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा यहाँ पे जी। जैसे मैं घर की बात करता हूँ, घर में एक दो चीजें मैं देखता हूँ, मेरे घर में भी हम लोग जल्दी में बहुत सारा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। उस मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सो दैट यू नो आई मीन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर एक्चुअली वॉचिंग एट होम। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप मीट को थॉ करते हैं, वैसे नवना तो क्या मैंने, बट आई एम जस्ट स्टिल टेलिंग यू, इट्स अ शेयरिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू, मतलब जस्ट शेयरिंग कि अगर आप थॉ करते हैं तो उसको फ्रोजन जब होता है तो अगर आपको उसको थॉ करना है तो आप उसको डायरेक्ट पानी में न डालें। अच्छा अच्छा अच्छा। आप उसको बिल्कुल, आप इसको रात को फ्रीजर से फ्रिज में रख दें। अच्छा। मतलब -18 से 4 डिग्री तक में रखें। अच्छा अच्छा। और रात भर में नेचुरली अपने आप थॉ हो जाएगा। अच्छा, अगर अगर थॉ लफ्ज को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें, अगर आपको उसको मतलब उसके अंदर आइस को खत्म करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप उसको उसके नीचे रखे, फ्रिज में रखे, और उसके नीचे एक ट्रे जरूर रखे, बिकॉज जब वो थॉ होगा जी तो उसका पानी निकलेगा, तो वो आपके दूसरे चीजों में ना चला जाए, ना चले जाए। तो आप एक ट्रे रखे, उसके ऊपर उस मीट को रखे जी, और उसको रात भर थॉ होने दे। ये रात भर का प्रोसेस, अगर आप फिर भी जल्दी करना चाहते हैं तो आपको रनिंग कोल्ड वाटर में थॉ करना चाहिए। अच्छा अच्छा। और वो भी मीट डायरेक्टली पानी से टच नहीं होना चाहिए, वो किसी पैकेट के अंदर होना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है। आप इस पे थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं कि ऐसा मतलब उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? इसमें ये होता है कि एक चीज होता है ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, जो मीट है उसके अंदर आप थॉ करेंगे तो पानी चला जाएगा जी, तो जब आप उसको पकाएंगे तो पानी बाहर आएगा। अच्छा, मीट बहुत ड्राई हो जाएगा। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हैसअप, जो हाइजीन एनालिसिस क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जी जी जी, उसमें भी ये अलाउड नहीं है इस तरह का प्रोसेस कि आप उसको डायरेक्ट पानी में डाल दिए और उसको थॉ कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। ओके ओके, ठीक है। तो ये मेरा एक फर्स्ट टिप ये था। ओके। दूसरा ये है कि अगर आप फाइबर वाले जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक जी, पालक की डंडी को फेंक देते हैं हम। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। बीटरूट के छिलके को फेंक देते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो बीटरूट का छिलका का मैंने एक बहुत अच्छा पाउडर बनाया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे अनुसार नथिंग कैन बी थ्रोन, Everything can be used. ये point आप please note कर लीजिए, ठीक है। So I would recommend a no bin kitchen, ठीक है। कुछ अच्छा। भी सब कुछ use हो सकता है। नारियल का छिलका थोड़ा यूज करना मुश्किल है, ठीक है। But apart from that, जी everything, केले का अगर आप peel करते हैं केले को, उसको dry करा ले, कर ले, उसको powder बना सकते हैं। अच्छा। Beetroot अच्छा। को peel करके उसका powder बना सकते हैं। Mango को peel करके अगर आप उसको फेंक देते हैं उसका powder बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, पाउडर मतलब अगर जैसे मान लीजिए बना लिया हमने तो, जैसे गरम मसाला, ठीक है। ओके, आप उसको एक अच्छा सा मैंगो गरम मसाला कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आप अपनी सीजनिंग खुद बना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइक दैट, ठीक है। सो इट विल बी वेरी नाइस। आई विल शो यू आई हैव डन बीटरूट, सो इट्स गॉना हैपन एनीवेज। ओके, तो ये है। और एक पॉइंट ये है कि ठंडा खाना ठंडा खाए, गरम खाना गरम खाए। अच्छा, जो जो खाने ठंडे खाए जाने चाहिए वो वाले खाने जबरदस्ती गर्म ना किए जाए। ओके, और गर्म जो खाना है उसको गर्म खाए, उसको जैसे आपने कोई गर्म कर लिया, रुक जाओ मैं खाता हूँ थोड़ी देर के बाद खाता हूँ, ठीक है। तो एक टेम्परेचर रेंज होता है 5 डिग्री से 60 डिग्री जी, उस समय क्या होता है बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। ओके, तो इसलिए कोई भी खाना अगर ठंडा खाना है तो 5 से नीचे होना चाहिए, और गर्म खाना है तो 60 से। बहुत सारे बैक्टीरिया लेके घूम रहा हूँ मैं आज, बता रहा हूँ आपको। I'm telling you, 100%। और एक और क्वेश्चन है कि कैन वी पुट कट फ्रूट इन द रेफ्रिजरेटर एंड ईट अ कपल ऑफ डेज लेटर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप कोई भी फ्रूट को खाए उसको इंस्टेंटली आपको कंज्यूम करना जरूरी है। जी जी जी, क्योंकि आप काट रहे हैं, जो आयरन होता है नाइफ का जी, वो रिएक्ट करता है उसके साथ, फ्रूट्स के साथ, तो एसिडिक होने लगता है, ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है जैसे ही आप काटते हो। इसलिए बोला जाता है कि आप होल फ्रूट को, जैसे एप्पल है, उसको काट कर ना खाए, इसको दांत से पूरा होल खाने का कोशिश करें। अच्छा, आई थिंक दैट्स बेटर। सो जस्ट इन केस मान लीजिए, अगर क्योंकि बहुत सी जगहों पर अभी तो ऐसी चीज है कि आप लोहे का नाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लोहे के नाइफ से कट भी गया तो कितना देर में खा सकते हैं कुछ? इट शुड नॉट बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, दैट्स इट शुड नॉट बी। और अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा रखना है तो थोड़ा लेमन डालना चाहिए। अच्छा, लेमन ऑक्सीडेशन को रोक देता है, तो आपके जो फ्रूट्स जो काले होने लगते हैं, स्टार्ट टर्निंग ब्लैक। जी हाँ, सो इट स्टॉप टर्निंग द फ्रूट्स ब्लैक। सो जस्ट पुट सम लेमन, सम बिट ऑफ हनी आल्सो, एंड सम बिट ऑफ मिंट, इट विल बी अ नाइस फ्रूट सैलेड।